नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने BMW की सर्विस 10,000 रुपए में कैसे कर सकते हो, जिसके अंदर कि हम उसका ऑयल चेंज करेंगे, उसका ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे और उसका एयर फिल्टर चेंज करेंगे। और जो जो पार्ट्स मैं इस वीडियो में यूज कर रहा हूँ वो सारे ही ओरिजिनल पार्ट्स हैं और ये सारे ही ट्रस्टेड सप्लायर हैं जो कि BMW खुद भी यूज करती है। और हर एक पार्ट का मैं नीचे लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर आप ये सेम चीज कंपनी या फिर BMW डीलरशिप में जाकर करवाओगे तो आपको अराउंड 30,000 to 40,000 rupees पे करने पड़ेंगे। आई नो दिस क्योंकि मैंने पहले पहले वहां पर सर्विसेज करवाई हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये सामने हमारे प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर की कॉर्टेको का एयर फिल्टर है, मोबिल वन का ऑयल है और हैंगस्ट का अपने पास ऑयल फिल्टर है। आई डोंट नो कि हैंगस्ट ही प्रोनाउंस करते हैं इसको, बट यू कैन सी इट राइट हियर। और आज की जॉब के लिए हमको कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव टूल्स नहीं चाहिए, आपके पास बेसिक सॉकेट सेट होगा तो भी ये काम आराम से हो जाएगा। आपको एक ऐसा पिक जरूर चाहिए होगा ताकि हम जो ऑयल फिल्टर की गैस्केट है उसको इससे बदल पाए। तो मेरी कार के अंदर N57 इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है जो कि 525 या फिर 530D के अंदर आपको मिलता है। और जो दूसरा ऑप्शन आता है F10 के अंदर डीजल में, वो है N47 फोर सिलेंडर, उसके अंदर 5.5 लीटर तक इंजन ऑयल आ सकता है। तो F10 के डीजल के दोनों ही वेरिएंट में आपको सेम एयर फिल्टर मिलेगा, सेम ऑयल यूज कर सकते हो आप, बट इनके ऑयल फिल्टर डिफरेंट है तो आप इस ऑयल फिल्टर को 4 सिलेंडर के इंजन में नहीं डाल सकते। और अगर इनलाइन 6 सिलेंडर है आपके पास तो उसकी जो ऑयल फिल्टर है उसके ऊपर 36mm की सॉकेट लगती है और जो हमारा N47 इंजन है उसके अंदर आएगा 24mm की सॉकेट लगती है। तो ये डिफरेंट है इन दोनों ही इंजन के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका इंजन ऑयल अप टू टेम्परेचर होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी रात से खड़ी है या एक दो दिन से खड़ी है तो उसको आपको 15-20 मिनट के लिए स्टार्ट करना है जब तक गाड़ी का टेम्परेचर नॉर्मल पे नहीं आया। यूजुअली आपका सेंटर में होता है नॉर्मल, इसके अंदर जैसे 100 तक आता है 6 सिलेंडर के अंदर, तो वहां तक आपको गाड़ी को पहले वार्म अप करना है। तो इसका कारण ये है, जब ऑयल ठंडा होता है तो उसकी डेंसिटी थोड़ी थिक होती है, पर जब हम गाड़ी ऑन करते हैं तो वो सारे इंजन के अंदर ऑयल घूमता है और थोड़ा लाइट हो जाता है। तो उसके बाद जब हम इंजन ऑयल को ड्रेन आउट करते हैं तो लगभग सारा इंजन ऑयल आ जाता है। अगर ठंडे इंजन के अंदर करते हैं तो यूजुअली जो बॉटम पैन के अंदर होता है वो इंजन ऑयल ही निकलता है। FYI, कभी भी आप इंजन में से सारा इंजन ऑयल नहीं निकाल सकते, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट ऑयल को ड्रेन आउट करने का प्रॉपर प्रोसीजर यही है कि आप पहले गाड़ी को वार्म अप करो, उसके बाद ही आप इसका इंजन ऑयल ड्रेन आउट करो। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी गाड़ी का इंजन अब अप टू टेम्परेचर है, तो मैं गाड़ी को बंद करूंगा। तो इसके बाद आपको अपनी गाड़ी का बोनट ओपन करना है और उसके बाद जो आपकी ऑयल फिलर की कैप है उसको खोल कर उसी के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को दोनों साइड पर इक्वली जैकअप करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर ये कैप मिलेगी जिसको आपको ट्विस्ट करके ऐसे खोलना है और 8mm का यहाँ पर नट आपको मिलेगा, उसको आपको खोलना है। तो ऐसे निकालने के बाद आपको यहाँ पर 17mm का नट मिलेगा, उसको खोलकर आपको ऐसे अपना इंजन ऑयल ड्रेन आउट करना है। और ये करते टाइम मेक श्योर यू आर वेयरिंग ग्लव्स ताकि आपके हाथ सारे गंदे ना हों। तो ड्रेन प्लग वापस लगाने से पहले आपको इस एरिया को प्रॉपरली कपड़े से साफ करना है ताकि जो कॉपर की ओरिंग है वो अच्छे से सील बना पाए। तो ये ड्रेन प्लग वापस लगाने से पहले इसके ऊपर एक कॉपर की ओरिंग होती है, उसको आपको यूजुअली हर बार रिप्लेस करना चाहिए। तो इस ड्रेन प्लग को अराउंड 25 Nm तक हमको टाइट करना होता है। 25 Nm बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको सिर्फ इसको स्नग करना है, इसको ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कॉपर की जो ओरिंग है वो क्रश हो जाती है जब आप इसको टाइट करते हो, तो वो अच्छी प्रॉपर सील बनाती है। तो इसके बाद हम ये कवर को वापस लगा सकते हैं जैसे कि हमने अभी निकाला था और ये 8mm के नट को भी वापस लगा सकते हैं। तो N57 इनलाइन 6 सिलेंडर के अंदर हमको 36mm की ऑयल फिल्टर की कैप मिलती है। क्योंकि ये साइज थोड़ा बड़ा है तो यूजुअली आपके किट में शायद ना हो। मेरे पास ये 1/2 inch में था सॉकेट, बट वो मुझे अभी नहीं मिल रहा था और Amazon के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक था। तो लोकली मेरे को इस साइज के अंदर ये 36mm का सॉकेट मिला जो कि यूजुअली 1/2 inch से बड़ा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो नॉर्मल 1/2 inch का रेंच इसके अंदर नहीं लगता है, 1/2 inch से बड़ा है। तो इसलिए मैंने इसका सेट लिया था ताकि मैं अभी के लिए ये ऑयल फिल्टर को निकाल पाऊँ। तो चलो अब इस ऑयल फिल्टर की कैप को निकालते हैं।
तो ऑयल फिल्टर निकालते टाइम आप यहाँ पर एक कपड़ा रख सकते हो ताकि आपके इंजन में सारे के ऑयल ना गिरे। और ये रहा हमारा नया ऑयल फिल्टर जो कि हम आज रिप्लेस करेंगे। इस ऑयल फिल्टर के साथ आपको दो ओरिंग भी जरूर मिलेंगी जो कि हमारे ऑयल फिल्टर की कैप पर और हाउसिंग में लगती हैं। तो पुराने ऑयल फिल्टर को ऐसे हम स्लाइड आउट कर सकते हैं और जो इसके अंदर गैस्केट है ऑयल फिल्टर की कैप में उसको हम उस पिक से जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उससे हम बाहर निकालेंगे। तो नई गैस्केट लगाते टाइम ध्यान रखना कि उस पर थोड़ा सा इंजन ऑयल आप ऐसे लगा पाओ ताकि वो अच्छे से सील बना पाए। उसके बाद मैं पुराने ऑयल को इससे साफ करूंगा और नए फिल्टर को हम इस पर लगाएंगे। फिल्टर को ऐसे डालने के बाद मेक श्योर कि अंदर आपको एक क्लिक सुनाई दे एंड में। और दूसरी गैस्केट यहाँ पर ऑयल फिल्टर असेंबली पर है, इस पर भी सेम इंजन ऑयल से थोड़ा सा ल्यूब्रिकेशन हम करेंगे ताकि ये सील अच्छे से बना पाए। ऐसे नई सील को वापस लगा सकते हैं, उसके बाद हम इस फिल्टर को ऐसे वापस स्क्रू इन करेंगे। इस फिल्टर को भी आपको 25 न्यूटन मीटर तक ही टाइट करना है। तो इस इंजन के लिए आपको यूजुअली 5W30 या 5W40 यूज़ करना चाहिए। मैं यूजुअली सर्दियों के टाइम पर 0W40 यूज़ करता हूँ। तो ये वीडियो मैंने नवंबर दिसंबर में शूट करी थी तो उस टाइम पर सर्दियों के हिसाब से 0W40 मैंने यूज़ किया था। तो क्योंकि मेरे पास इनलाइन 6 सिलेंडर है तो हमको 6.5 लीटर इंजन ऑयल हमारे इंजन में डालना है। तो इंजन ऑयल डालते टाइम ध्यान रखना यहाँ पर आप कोई फनल रख लो ताकि ऐसे आपका इंजन ऑयल सारे के गिरे नहीं। मेरे को मेरा फनल नहीं मिल रहा था और आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि नीचे नहीं गिरेगा, बट एज यू कैन सी आई वॉज वेरी रॉन्ग। तो आई विल क्लीन दिस अप और उसके बाद मैं 2.5 लीटर और इंजन ऑयल इसके अंदर डालूंगा। तो इसके बाद हमको लास्ट में अपना एयर फिल्टर बदलना है। तो अगर आपके ग्लव्स या हाथों पर अभी ऑयल का रेजिड्यू है तो एयर फिल्टर बदलने से पहले मेक श्योर कि आप ग्लव्स चेंज कर लें, और अगर आप ग्लव्स यूज नहीं कर रहे हो तो वॉश योर हैंड्स क्योंकि एयर फिल्टर पे सारे के ऑयल लग जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा प्लास्टिक का टैब आपको दिखेगा, उसको आपको उठाना है और ऐसे ट्विस्ट करके ये एयर फिल्टर बाहर आ जाएगा। क्योंकि मेरा एयर बॉक्स इतना गंदा नहीं था तो मैं खाली इस कपड़े से थोड़ा सा साफ करूंगा। अगर आपके एयर बॉक्स में ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पर तो आप यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर से भी साफ कर सकते हो। उसके बाद हम ये कोरटेको का एयर फिल्टर इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो ऐसे फिल्टर को रखकर हमको स्लाइड करना है ताकि ये लॉक के अंदर जाकर फिक्स हो जाए। एंड उसके बाद मेक श्योर कि ये फिल्टर हिल नहीं रहा क्योंकि ये वाइब्रेशन करेगा अगर ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ तो। तो काफ़ी लोग हर सर्विस पे या मतलब हर ऑयल चेंज पर एयर फिल्टर नहीं चेंज करते। एज यू कैन सी पुराने और नए में दिन रात का फर्क है। और यूजुअली ये अगर आप बाहर रहते हो कहीं पर जहाँ पर मिट्टी वगैरह इतनी नहीं है, यूजुअली जर्मनी साइड या फिर US साइड, तो वो समझ भी आता है। बट इंडिया के अंदर इतनी मिट्टी उठती है कि आपको आपका एयर फिल्टर हर सर्विस पे बदलना चाहिए। तो अगर आपको मैकेनिकली इंजन ऑयल कितना है आपकी गाड़ी में वो मेजर करना है तो बाहर डिपस्टिक पर आप कर सकते हो। बट इस गाड़ी के अंदर आप व्हीकल इंफॉर्मेशन में जाकर व्हीकल स्टेटस में आप इंजन ऑयल कितना है गाड़ी में वो यहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो उसको देखने के लिए हमको गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गाड़ी को ऑन करने के बाद आपको ऑयल फिल्टर के चारों तरफ ऐसे देखना चाहिए कि यहाँ से कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, और सेम आपको नीचे ड्रेन प्लग के पास भी चेक करना है। तो अगर लीक हो रहा होगा तो ये अभी ही हमको पता चल जाएगा और हम उस हिसाब से उस चीज़ को बदल सकते हैं। क्योंकि इन गाड़ियों के नीचे अंडर ट्रे होती है तो अगर वो थोड़ा बहुत लीक हो रहा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा एकदम से। तो इसलिए जब भी मैं इंजन ऑयल चेंज करता हूँ तो मैं यूजुअली ऑयल फिल्टर और ड्रेन प्लग को देखता हूँ कि वहाँ से कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से कोई इंजन ऑयल लीक नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ करने के बाद भी आपकी गाड़ी में सर्विस की या फिर इंजन ऑयल की लाइट आती रहेगी कि इंजन ऑयल सर्विस इज ड्यू, क्योंकि आपने अभी ECM से इसको रीसेट नहीं किया है। तो इस वैल्यू को रीसेट करने के लिए अगर आप कंपनी में जाते हो तो वो लोग चार्ज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर लगाकर इसको रीसेट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फैक्ट्री सॉफ्टवेयर से इसकी वैल्यूज को कैसे रीसेट कर सकते हो। वो एक बहुत ही इनडेप्थ वीडियो होगा कि अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है तो आप खुद भी इसको घर पर कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो, जो सर्विस सून हमारे यहाँ पे इंफोटेनमेंट में दिखा रहा था, उसको रीसेट करने के बाद यहाँ पर हमको अपना फुल वैल्यू मिलती है, जो कि 15,000 किलोमीटर होता है। FYI, आई रेकमेंड कि अगर आप BMW यूज़ करते हो तो हर 10,000 किलोमीटर पर उसका इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए। 15,000 इज़ टू मच इन माई ओपिनियन। बाकी आपकी गाड़ी आप कुछ भी कर सकते हो। तो आप में से काफ़ी लोगों के मेरे पास DMs आए थे, कमेंट्स आए थे कि आप बहुत टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, क्या हुआ। तो एज यू नो, कोविड की वजह से बहुत सारे काम बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, तो वो पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट आई विल ट्राई नाउ कि वंस अ वीक मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करूँ। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सब्सक्राइबिंग। हमारे 2,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। सेम टाइम लास्ट ईयर जैन या फेब के अंदर शायद हमारे 100 या 150 सब्सक्राइबर्स थे शायद, और एक साल के बाद वी हैव क्रॉस 2,000 सब्सक्राइबर्स। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब करा है यार, सबका थैंक यू, एंड आई वांट टू वेलकम ऑल माय न्यू सब्सक्राइबर्स। तो आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग, या वैसे आप कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर आप पूछ सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी फॉलो नहीं करते हो, तो मेरा हैंडल है @bmirgai, जिस पर मैं डेली फोटो स्टोरीज पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलो यार, आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में। Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like, rearranged it to my own domain, yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah, I work hard each and every day, I get lost in the words I say, I don't push pause, no, I push play, I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I